जन्माष्टमी की धूम है। और अब हम अब चलते हैं इस्कान मंदिर, जहां पर हमारे सहयोगी सिमरन। जी सिमरन, कैसी धूम है इस्कान में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस्कॉन मंदिर में बहुत धूम है। यहाँ पर हमारे साथ आकांक्षा डांस क्लासेस के भी मेंबर हैं। आप इस्कॉन में आए थे डांस करने का, इसके बारे में इस मामले में हम बात भी कर लेंगे बच्चों से। आप लोगों को बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है आज? आप लोगों का डांस परफॉर्मेंस, आप लोग डांस में, आप लोगों को सेकंड प्राइज भी मिला, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है और कैसा अनुभव रहा आज के दिन का? हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम मैम की वजह से आज हम मंदिर। आपको कैसा लग रहा है? आप बताइए, आपको कैसा लगा? छोटी सी राधा बनकर आई है। आप बताइए, आप अपने अनुभव को बताइए। और ये रहे हमारे छोटे से कान्हा जी। कान्हा जी, आपको कैसा लग रहा है आज परफॉर्मेंस था आपका? और कृष्णा बनकर आपको कैसा लग रहा? आप तो डांस किए होंगे, आपको कैसा फील हो रहा है? और आगे भी आप ऐसा करना चाहेंगे? और आपको सेकंड प्राइज मिला है, आपको थोड़ी सी नाउमीदी होगी या फिर आपको उससे भी खुशी हो रही है? अगली बार और मेहनत करिएगा आप। मैम, बच्चों के बारे में बताइए, मतलब इनको कितनी खुशी हो रही है? बच्चों को बहुत खुशी हो रही है मैम, क्योंकि बच्चे तीन चार चार साल से प्रैक्टिकल भरतनाट्यम की ट्रेनिंग से ले रहे हैं और फिर इस बच्चे आज परफॉर्म करना बहुत खुशी की बात है। मैम, कौन ने जन्माष्टमी के समय में कौन ने आज परफॉर्मेंस करना, तो सबके लिए खुशी की बात है। अब हम सीधा बात करेंगे कौन मंदिर के प्रभु जी से। तो प्रभु जी, कौन मंदिर में आज काफी सारे आयोजन किए गए थे, आयोजन के बारे में बताइए। आप देख रहे हैं बड़ी भव्यता से जो है कार्यक्रम चल रहा है। हमारा तीन दिवसीय कार्यक्रम है, आज महोत्सव का, जिसमें छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है आए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जिन लोगों को हमने ट्रॉफी भी दी है, जिससे बच्चों का उत्साह रहता है सनातन धर्म के बारे में जानने का मौका मिलता है और उत्साह से लगे रहते हैं। तो हम एक दिन पहले बच्चों के साथ जो है ना भगवान कर रहे हैं कि अब भगवान आने वाले हैं तो खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन जन्माष्टमी है, जो की 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे के बाद पुनः हम ठाकुर जी को ले जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे महाआरती होगी और वहाँ जो है मंत्री जो है हरिनाम संकीर्तन करते हैं। दूसरे दिन व्यास पूजा होती है, जो हमारे संत है उनकी व्यास पूजा मनाते हैं। व्यास पूजा मतलब उनका जन्मदिन है, दूसरे दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जी प्रभु जी, प्रभु जी इस मंदिर के बारे में बताइए, क्योंकि इस मंदिर का नया निर्माण हो रहा है, मंदिर कब से शुरू होगा और इसमें और क्या क्या चीजें बची, क्या कुछ होगा? काफी पिछले कुछ वर्षों से जो है मंदिर निर्माण में हमारे गुरु महाराज परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज, क्योंकि उनके गुरु महाराज तिलक प्रसाद जी उनको आज्ञा दिए थे कि सभी अपने शिष्यों को आज्ञा दिए थे कि तुम्हारा जहाँ जन्मस्थली है, अगर वहाँ भगवान के नाम का प्रचार नहीं हुआ है, मंदिर नहीं बना है, तो आप लोग जाइए और वहाँ जाके जो है मंदिर बनाइए। तो विगत मतलब महाराज का तो बहुत परिश्रम रहा है, विगत 20 सालों से जो है महाराज बैठे, आज भी भव्य आपको देखने के लिए जाए और निश्चित ही उस समय पश्चात हम ठाकुर जी को यहाँ बिराजेंगे और बहुत बढ़िया उत्सव करेंगे और मंदिर का जो है ना मामला दिलाते हैं।
लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों ने भी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला है, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आप लोग किस संस्था से, किस स्कूल से आए? नहीं, हम भी बड़ी चलाए थे, कोई आप लोगों ने एक हफ्ते में सारी प्रैक्टिस की और आप पहला प्राइज जीत गए, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। और तो आपने प्रैक्टिस के बारे में बताया कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी इसको जीतने के लिए? अपने डांस का प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते थे आप? अपने घर में करते थे, यहाँ करते थे? और इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिला है, आप लोगों को खुशी का मतलब बहुत आनंद है। बहुत खुशी मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बच्चे आज जीत गए हैं, आपके कितनी खुशी हो रही है और कितना प्राउड फील कर रही है की कृपा तो आप लोगों पर बनी ही रहेगी। तो आप अगले मतलब और आगे क्या करना चाहती है आप लोगों का? उठा के रखा था तो भगवान ने सपा नहीं दिया, तो प्रतिदिन
भगवान को 8 प्रकार का व्यंजन खिलाती थी, तो 7 दिन हो गया था, उससे उन्होंने 56 भोग लगाया, उसके बाद से परंपरा बन गई की ठाकुर जी को हम लोग 56 भोग अर्पण करते हैं। 56 भोग बोलते हैं लेकिन उससे कई गुना अधिक रहता है, 56 तो मतलब एक क्राइटेरिया की 56 से कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप कितना भी 1008, 1100, 1108 कितना भी आप भोग लगा सकते हैं। तो ये अलग हमारी सॉन्ग में जो है एक परंपरा रही है, अभी भी ठाकुर जी की जो नित्य सेवा हमारे यहाँ होती है वो हम सुबह ठाकुर जी को प्यार से उठाते हैं, उस समय हम बाल भोग में एक प्रकार का मिष्ठान लगाते हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, कंडेंस मिल्क, रबड़ी, खीर, पेड़ा, उसके बाद फिर ठाकुर जी का जब हम अभिषेक करते हैं फिर 7:15 बजे दर्शन आरती होती है, उसके तुरंत बाद हमारी धूप आरती होती है, उस समय भगवान को हम लोग ब्रेकफास्ट में जो है 5 प्रकार का फल और पेड़ा, गरम दूध, हलवा फिर लगाते हैं, और उसके बाद राजभोग आरती में 17 प्रकार के व्यंजन हम लगाते हैं, 12 बजे आरती होती है, 17 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित करते हैं, फिर भगवान को 1 बजे विश्राम देते हैं और फिर 4 बजे भगवान को उठाते हैं उत्थापन आरती में, उस समय हम भगवान को तेल, हल्का गर्म दूध, फिर 5 प्रकार का फल, फिर पेड़ा हम अर्पित करते हैं, फिर माता जी हम लोग 7 बजे भगवान की संध्या से 7:45 बजे 13 प्रकार का व्यंजन लगाते हैं ठाकुर जी को, और उसके बाद आरती होती है, फिर सहन आरती जब होती है तब हम ठाकुर जी को एकदम स्प्रेस टाइप का हल्का सोने के लिए जो है ना गर्म दूध, हलवा, स्प्रेस टाइप का चीजें, कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, छोटे छोटे बड़े समोसे में और अपने पकौड़ा, ये सब व्यंजन हम लोग अर्पण करते हैं, और फिर आरती होती है, जब हमारा भूख लगेगा उसके बाद आरती होती है, और 9 बजे हम लोग भगवान को सेंड करते हैं, और वो जो प्रसाद देता है माता जी वो सब भक्तों को बांटता है, जो गणेश सबको बांटा जाता है, और पूजा प्रसाद बहुत भक्तों को दिया जाता है, इस प्रकार का हमारा सुबह शिविर काम का रहता है, और पुनः फिर भगवान को लगाते हैं, ये 365 दिन है।
सिमरन तो आप ये देख रहे थे इस्कान मंदिर से, हमारे साथ लाइव थी हमारी सहयोगी सिमरन। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई के 19 कलाकार देंगे वहां पर प्रस्तुति। सिमरन मंदिर से जिन्होंने यहाँ पे मंदिर से जुड़ी और जन्माष्टमी से जुड़ी और आयोजनों से जुड़ी तमाम जानकारी 24 से सिमरन।